अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है, पानी के अंदर उसको उबाल देना है। उबालने के बाद आपको उसको बारीक पीस के उसका पेस्ट बना देना है। बारीक पीस के जब आप पेस्ट बना देते हो, उसी पेस्ट को आपको लगाना रहता है इस पेस्ट को, और पेस्ट को लगा के आपको हल्का मालिश करना रहता है हल्के हाथों से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ हूँ, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। इसे देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों आप इसे देखते ही पहचान गए होंगे, बहुत से ऐसे भाई हैं कि जो नहीं पहचाने होंगे, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जामुन है, दोस्तों आप इसको देख लो, जामुन है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है ये जामुन। आपके यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है आप इसको देख लो और पहचान लो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे जामुन को क्या बोला जाता है। दोस्तों हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में जामुन का पेड़ नहीं पाया जाता है। दोस्तों अब तक तो हम लोग जामुन खाने में इस्तेमाल करते थे, हम लोग जामुन खाते थे, उसका सिरका बनाते थे और उसके सिरके का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों आपको क्या, आपको पता है कि जामुन बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है जो हमारे बहुत सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है और ये प्राचीन काल में ये बहुत सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। आज के ज़माने में हम लोग नहीं जानते इसका इस्तेमाल कैसे करना और कितनी मात्रा में लेना है इसको, तो इसके वजह से हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। दोस्तों ये औषधि जो होती हैं, ये जड़ी बूटियां जो होती हैं, हमारे रोगों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है और थोड़े लंबे समय तक तो इसका इस्तेमाल करना रहता है, लेकिन रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। बहुत इंग्लिश दवाइयाँ जो होती हैं वो हमारे रोगों को जड़ से नहीं ख़त्म करती, वो रोगों को दबा देती है और फिर कुछ दिनों बाद हमारा रोग फिर उसी प्रकार से हमको परेशान करने लग जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप किसको देख लो और पहचान लो। दोस्तों ये तो रहे जामुन, और आपको पता है कि जामुन हमारे पेट के लिए कितनी फायदेमंद होती है। दोस्तों ये जामुन का बीज जो होता है, इसका चूर्ण बनाया जाता है। इसका चूर्ण इतना ज़बरदस्त होता है हमारे पेट के लिए, हमारा पेट साफ रखने के लिए, हमारे पेट में दर्द होता है उसके लिए, हमारे पेट में मरोड़ होता है उसके लिए, हमारे पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाने के लिए बीज का जो चूर्ण होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दोस्तों उसके भी बारे में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं। दोस्तों हमारे बहुत से भाई हैं, बहुत सी माताएँ हैं जो जिनकी उम्र बढ़ती उम्र की वजह से उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उनके कमर में दर्द रहता है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो जामुन का फल आप देख रहे हो, आप इसके पेड़ के बारे में हम बात करेंगे कि दोस्तों इसका पेड़ जो होता है, इसका पेड़ देख लो ऐसा होता है, और इसकी छाल को ले लें, जमीन के नीचे जो जड़ रहती है वो लेना है, जड़ की छाल को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ले लेना है। थोड़ा सा लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है, पानी के अंदर उसको उबाल देना है। उबालने के बाद आपको उसको बारीक पीस के उसका पेस्ट बना देना है। बारीक पीस के जब आप पेस्ट बना देते हो, उसी पेस्ट को आपके अपने घुटनों पर, अपने कमर पर, अपने जोड़ों पर आपको लगाना रहता है इस पेस्ट को, और पेस्ट को लगा के आपको हल्का मालिश करना रहता है हल्के हाथों से। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आप ऐसा कर देते हो तो आपको 2 से 3 दिन में आपके घुटनों का दर्द को बहुत ज़्यादा आराम लगेगा, और कुछ लंबे समय तक आप करोगे तो आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों थोड़े लंबे समय तक आपको करना रहेगा ऐसा, और दोस्तों उसके जड़ की ही छाल लेनी है, जामुन के जड़ की ही छाल लेना है आपको, और उसी को जिस प्रकार से आपको विधि बताई गई है आप बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप करिए। और दोस्तों जो जड़ी बूटी जितने मात्रा में बताई जाती है उसका मात्रा उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में करोगे उसको तो उसका दुष्प्रभाव होता है, मतलब वो फायदा करने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाना चालू कर देती हैं जड़ी बूटियाँ। और दोस्तों जिस प्रकार से बताया गया उसी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करते रहिए कंटिन्यू, कुछ लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपको अपने जोड़ों से बिल्कुल आराम मिल जाएगा, अपने घुटनों के दर्द से बिल्कुल आराम मिल जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।